मुझे एक बात और बड़ी प्यारी याद आई। आला हजरत का नाम तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी जानते हैं। रमजान मुबारक का महीना था। आला हजरत के शागिर्द जिनका नाम अल्लामा जफरुद्दीन बिहारी, दूसरे सदर शरिया, तीसरे सदर फाजिल सैयद नईमुद्दीन मुराद, ये इतने बड़े पाए के वली भी है और इतने बड़े आलिम, इतने बड़े आलिम, आज के हजारों आलिम एक तरफ और ये अकेले आलिम एक तरफ, इतने चाहिए आलिम। तो आला हजरत से पढ़ रहे थे नमाज के बाद, आला हजरत पढ़ा रहे, पढ़ाते 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 आला हजरत की हल्के से आंख बंद हुई, आप खोली, फिर कहा बेटा अब जाओ कमरे से बाहर जाओ, कल पढ़ाए। आज के बच्चे उनको खुश हो जाते, छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई, एक दिन का छुट्टी करो ना, दूसरे दिन पूछ लेंगे हुजूर कल को आए या नहीं आए, ये आज के बच्चों का। मगर ये बच्चे पढ़ने वाले थे, बोले सरकार और ले गया ना, ये भी पूरा कराई दे, अगर जरूरी काम हो तो बताए, हम कर देंगे काम, ये भी पढ़ाई का अलग अलग। बोले नहीं, मैंने कहा जाओ, अलग अलग खड़े हो, बच्चे भी खड़े हो, तीनों बच्चों से अब बच्चे टलना नहीं चाह रहे क्योंकि पढ़ने वाले थे यार। आला हजरत ऐसी दरवाजे को मार लिए, नहीं और आला हजरत कुंडी बंद, पहले लाइट वाइट का इंतजाम था, नहीं चला देते थे, अब कुंडी बंद कर दी और किवाड़े भी आज तो पिलाई की चल रही है, सनमाय का वगैरह सब लगी हुई है, उसको मोटे मोटे पटलों भी होती थी और वो एक दो बरसात के बाद जब पटले जुड़े हुए होते थे ना, उनमें थोड़ी झिरी हो जाती थी, ऐसे करके थोड़े समझ रहे, अंदर से चाँद जले तो उनकी झिरियों में से बाहर रोशनी आ जाती, इतनी फैल जाती। आला हजरत की बात भी वैसी, अब ये दोनों शागिर्दों के हाथ में तीनों के किताबें हाथ में, बोले यार इतना हुआ, इतना रह गया, इतना हुआ। आला हजरत ने अपना चराग बंद कर लिया, एक मिनट नहीं गुजरा, रूम में इतनी रोशनी हुई, इतनी रोशनी हुई और वो किवाड़ की झिरी में से निकल के ना इन तीनों बच्चों के चेहरे पर। अब बच्चों ने पलट के देखा, भाई आप तो नहीं लग गए, इतनी रोशनी का मतलब क्या, आप तो नहीं लग गए। अब बच्चों ने तीनों ने जल्दी से पलट के देखा उस झिरी में से, तो एक खूबसूरत चेहरे वाले एक बुजुर्ग आला हजरत की मसनद पे लेटे और आला हजरत उनके पांव दबा रहे, मगर ये तीनों बच्चे अरबी जानते थे क्योंकि समझ जाते आज के दौर तो काबिल आदमी थे ये भी, मगर आला हजरत इतनी धीरे बोल रहे थे ये तो पता चल रहा है कि अरबी है और वो जवाब भी इतनी धीरे दे रहे थे पता चल रहा था अरबी, मगर पढ़ने कुछ नहीं पड़ रहा, मतलब समझ में वैसे कुछ नहीं आ रहा था ये पता नहीं। अब ये बच्चे रात भर उनका दीदार करते रहे, देखते रहे, वो पांव दबा रहे हुजूर ऐसे ऐसे जो भी सवाल कर रहे थे। जब सहरी का टाइम शुरू हो गया वो चले गए, तो अंधेरा हो गया, आला हजरत ने एकदम चराग जलाया, गेट खोला तो तीनों बच्चे बाहर खड़े। अब आला हजरत बोले तू गए नहीं अभी तक, मैंने आपसे कहा था कि चले जाना, पूरी रात बर्बाद कर दी तुमने। अच्छा आला हजरत जब ना पढ़ने वाले बच्चों को डांटते थे तो उनका अंदाज ये था, उसके चेहरे को नहीं देखते, नजरे नीचे कर लिया करते थे, तुम गए नहीं अभी तक, फिर उठा कर दे ऐसे करते ये अंदाज था उनका। तो उन तीनों बच्चों को ये पता था आला हजरत सैयदों से बड़ा प्यार करते हैं और इन तीनों बच्चों में बच्चा सैयद था, सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी सदर नमाजी, वो सैयद थे। और दोनों ने पकड़ के साथी साथी होते हैं, बोले क्या कौन सैयद है, तो एक अरे सैयद साथी और साथी ने पकड़ के और उन्हें सैयद साथ में आ गए। अलग रेड कार्ड टाइट टूट के जब देखा चेहरे सैयदा के सामने गए, तभी चेहरा नरम हो गया, नबी के शहजादे पांव में बैठा तुम्हारी तकलीफ होने लगी होगी, रात भर तुम खड़े रहे, तुम्हें सो जाना चाहिए था। अब वो पीछे से ना यहाँ पे उंगली कर रहे,
अब इनको उंगली लग रही है, कोक में जब उंगली लगे वो कभी इधर को हो जाए कभी इधर को, फिर डर के मारे कौन बजा रहा था सामने, और ये दोनों पीछे सरकार आपके बिस्तर पे कौन लेटे, ये थी पूछो पूछो आप किसके बाद आ रहे थे। अब आला हजरत मुस्कुरा दिए, बोले ये बताओ तुम्हारे तुमने दीदार किया या नहीं किया, दीदार किया नहीं किया। बोले हुजूर दीदार तो कर लिया, बड़ा खूबसूरत थे, और आप क्या पूछ रहे थे, क्या जवाब दे रहे थे, क्या चेहरा था नूरानी, सरकार आपके मसलत पे लेटे हुए, ये बताइए सरकार वो थे कौन और आप उनके पांव दबा रहे थे। सरकार आला हजरत का जवाब सुन, सरकार आला हजरत मुस्कुरा कर के बोले बेटा सुनो, अगर तुम्हारी गाड़ी अटकती है तो अहमद रजा निकालता है, और जब अहमद रजा की अटकती है तो बगदाद का बड़ा पीर अब्दुल कादिर जी का, उसे बात अब्दुल कादिर जी का। कुछ दिनों के बाद एक बड़ा नसीहत भरा जुमला दे रहा हूं मैं आपको, याद रखिए, तुम्हें अल्लाह दौलत दे तो तकब्बुर मत करना, गुरूर मत करना, हमें इल्म दे तो हमें तकब्बुर गुरूर नहीं करना चाहिए। आला हज़रत एक दिन बैठे हुए लिख रहे थे, उनकी माँ ने पर्दे के आग से देखा कोई आदमी तो नहीं, क्योंकि अंदर से पर्दे से भी ज्यादा रहा है, देखा कोई नहीं दिख रहा है, थोड़ा हटा के देखा कोई नहीं, आस पास कोई नहीं, आला हज़रत तक। अब माँ ने अंदर से कहा अहमद रजा, अरे माँ के सामने तो इतनी बड़ा होता ना, तो कितने बड़ा मुफ्ती हो जाए, अल्लामा हो जाए, माँ के सामने तो वही है बच्चा। आला हजरत ने फौरन कलम रख दिया, बंद किया कॉपी किताब जो भी, कहा जी माँ, बेटा इधर आ, खुद नहीं आए वहां कोई आना चाहिए, बेटा इधर आ। पर्दे के पास गए, आला हजरत की माँ के हाथ में बोतल शीशी, समझ रहे हैं ना, बोतल समझ रहे हैं, हाँ बोतल थी, वो बोतल क्यों थी, पहले की औरतें डब्बों में बोतल में जिस खाने से जिस पेल से खाना बनता था ना उसमें वो भर के रखती, जैसे पीपिया होती थी डब्बा होता था बोतल, आला हजरत की माँ बोतल है, कहा बेटा ये शीशी बोतल, घर का तेल खत्म हो गया खाना भी बनना है, बेटा दुकान से तेल ले आओ। अल्लाह, इतने बड़े पीर, इतने बड़े अल्लामा, इतने बड़े मुजद्दिद, आज की तो छोटी छोटे से पीर भी प्रिय, वो भी दो चार खादिम लिए घूम रहे, कोई पांव दबा रहा, कोई सर दबा रहा, कोई जूते दबा रहा, कोई जेब दबा रहा, कोई मुर्गों की टांगे दबा रहा, बकरों की नलियां दबा दे रहा है, अच्छा मतलब है कि नहीं और आला, और इतने शागिरद कैसे बेटा इधर आओ, मैं तेल लाऊं तेरी अम्मी को, नहीं कहा बेटा तुम तेल ला, ये लफ्ज तुम जो का आप तेल ला, अच्छी मां बोतल ली शीशी ली, चल दिए दुकानदार दुकान पे तेल वाले। अब जब चले लोग तेल रहे हैं बड़े आला हजरत के दौर में लोग उनको आला हजरत नहीं कहते थे, कोई कोई करो बड़े मौलवी साहब, बड़े मौलवी साहब, बड़े मौलवी साहब ये बोलते, क्या बोलते थे, बड़े मौलवी साहब। आला हजरत चले तो सब खड़े, अरे बड़े मौलवी साहब हैं, बड़े अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, आला हजरत जल्दी किसी को मौका नहीं दिया था सलाम करने, खुद ही पेश कर दिया। अब सीधे दुकानदार के यहां पहुंचे, अब जैसे ही दुकानदार के यहां पहुंचे दुकानदार खड़ा हो गया, बड़े मौलवी साहब हुजूर आज तो मेरी किस्मत संवर गई, आप तशरीफ ले आए, गज़ क्या थी तशरीफ लाने की, मकसद क्या था, क्यों आए, कहा मेरी अम्मी ने तेल मंगाया तेल ले, सरकार किसी बच्चे को भेज देते मुझे हुक्म देते पूरी पिपिया उठा के ले आते, मैं वही भी लौट बोले ना मेरी माँ ने मुझे पूछा, कहा सरकार आ जाइए मेरी गद्दी पे बैठिए, नहीं
तेरी गद्दी को नहीं, तुम्हारी गद्दी है, तुम अपनी गद्दी पे बैठो। यार इतने बड़े मौलवी साहब, इतने बड़े अल्लामा, आज हम जैसे मौलाना, मैंने सैयद को देखा है, आप किसी को तकरीर करने बुला लीजिए तो आपको इतना जलील कर देंगे, इतना परेशान करेंगे, कह के फिल्टर पानी लाओ, यू लाओ, तू, बहुत सारी बातें थी मिलेंगी, कह के आप कान पकड़ कर तौबा कर लेगा, कभी चल सकता हूँ सही बता रही हूँ मैं, देखता हूँ ना ये तो मुझे ये बात, जब मैं मुझे ना चीजें कमेटी वाला तो इतना नजर आना, सारी चीजें जेब में पैसे 20 रुपए तो खुद बोतल ले ले सकता है, पानी मंगाएगा वो उनसे, जरा पानी बोतल ले लियो, जरा सिगरेट ले लियो, सिगरेट पीड़े पीड़े तो पीड़े ले लियो, पान खा ले तो पान ले लियो, ऐसे होता है क्योंकि मैं हिंदुस्तान में घूम रहा हूँ। फिर मैं यार इन बुजुर्गों की जिंदगी देखता हूँ, यार कैसी जिंदगी थी, तो मैं समझता हूँ इन लोगों ने सही मानों में पढ़ा नहीं, अगर पढ़ा पढ़ भी लिया तो ऐसे ही बस खाली अमल नहीं किया। आला हजरत बोले नहीं, तो तुम्हारी जगह खड़े रह जा, वो भी खड़ा हो गया, आला हजरत बोले बैठो, तो बैठ गया, कहा ये बताओ ये मेरी बोतल जो शीशी है ना ये कितने में भर जाएगी। तो पहले तेल को तुलना नहीं था, नापने वाले को होते थे डबले, वो पीक कुप्पी यहाँ की जबान में परखी, क्या क्या बोले तो मुझे पता नहीं, हाँ क्या बोलती ना, तो वो जैसे ये 10 रुपए की है, 20 रुपए की है, 100 ग्राम की है, 200 ग्राम, ऐसे होता था नाप, तो वो उसने ऐसे करके नाप नाप के डालो, का साफ बड़े मौलवी साहब 5 आने में मिल जाए, कितने में बोलो 5 आने में, वो कह रहे मेरा सरकार 5 आने में भरी जाएगी, मैं किसी और को 5 आने में देता हूं मगर आप आए, आज मेरी किस्मत बन गई, आज मेरे हाथ खुल गए, आज तो मेरी दुकान और मेरी मेराज हुई, जो भी जुमले थोक बोल दिया अपने अंदाज में, कहा मैं आपसे 2 आने कम लूंगा, आप इतने बड़े आलिम 2 आने कम लूंगा, 3 आने लूंगा, किसी और से 5। आला हजरत बोले शीशी भर दो, जब शीशी भरी, और जैसे हम लोग ये सदरी पहनते ना, तो पहले इधर कपड़ा बीच में रुई और ऊपर से कपड़ा पे इतनी बड़ी सी के वो पहनते थे, उसको फिर सही बोलते, तो अंदर जेब होती वही आला हजरत पहनते, आला हजरत ने उसमें से 5 आने निकाले और 5 आने निकालने के बाद उसके हाथ में दे दिए, कहा लो ये तेल की कीमत है लो, उसने 2 आने वापस कर दिए, कहा ये 2 आने वापस कैसे है, कहा इसलिए आप इतने बड़े आलिम है, इतने बड़े मुत्तकी परहेज़कार मेरे घर पे आए हैं, मैंने इल्म की वजह से 2 आने कम कर दिए, आला हजरत से 2 आने वापस दे दिए, कहा ले रख ले अहमद रजा का इल्म 2 आने में बिकता नहीं है, मैं तेरा गुलाम नहीं हूं, मदीने वाले का गुलाम। अल्लाह ने ऐसे लोगों को रोशनी दी है, तब इनके नाम चमक रहे हैं। एक बात और बताऊंगा, हो सकता जहन में आ जाए, एक है हमारा कारोबार संभाल चौकीदार होता है, चौकीदार उसे हम तनख्वाह देते हैं, सब कुछ देते हैं, वो उसकी हिफाजत करता है, ठीक है। एक हमारा कारोबार देखने वाला मुंशी, अल्लाह बरकत देता है तुम्हारी मुंशी, उसकी भी तनख्वाह होती है, ये सारी चीजें होती है। थोड़ा सा इस जगह पे मैं एक बात को लेकर क्या हूं, मेरी तरफ का एक माहौल है, यहां का मुझे पता नहीं, अगर